सलाम एवरी वन, उम्मीद है सब लोग क्रिएट से होंगे। मैं भी क्रिएट से हूँ रबी थी। मैं एग्जीक्यूटिव कार बैंक में हूँ। बेसिकली मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर एक प्राडो खड़ी थी, मैंने सोचा उसका रिव्यू भी कर लें। और बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे आई थी कि प्राडो का रिव्यू करें। और ये वाली जो प्राडो है ये थोड़ी सी पुरानी है, उससे लास्ट वाली जो की थी वो 2012 मॉडल की थी और ये जो है 2007 मॉडल आई थी। मैं देख लेता हूँ, जी हाँ 2007 मॉडल है ये। और इस पर ऑर्डर की अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे फरहान भाई से, तो चलते हैं फरहान भाई की तरफ। सलाम फरहान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम ब्रदर, ठीक हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये कौन सी प्राडो है? ब्रदर ये 2007 मॉडल की प्राडो है और ये है इम्पोर्ट, आप कह रहे हैं तकरीबन 15 की है, सोना की इम्पोर्ट है और रजिस्टर्ड भी सोना की है। ठीक है, ये जी एक्स प्राडो है, 3000 cc मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ओवरऑल गाड़ी अगर आप देखेंगे, गाड़ी अपनी हालत में है, जो है साफ़ सुथरी है, टचिंग कोई नहीं है। ये तो ऑफ रोडिंग कार्स है, नॉर्मली हर लिहाज से नॉर्मल साफ सुथरी है, क्लीन कार्स है। मैं आपको इसकी फुल चेक करा दूँ। सॉरी, इंजन थोड़ा सा गंदा है बिल्लियों की वजह से, आज शायद तक लड़कों ने साफ भी नहीं किया। वायर भी कटी है ना? ऐसे ही है बिल्कुल। और नॉर्मल ये जो ना आप इंजन उसको देखें कि स्पेस काफ़ी है, इसमें बड़ा इंजन भी आ सकता है और आता भी है। अभी ये 3.0 है इसका। गाड़ी की कंडीशन, इंटीरियर भी आप चेक करें तो ओवरऑल जो है वो एक्सीडेंटेड नहीं है, किसी किस्म की कोई नहीं। सफाई की ज़रूरत ज़रूर है पर ओवरऑल जो है ना गाड़ी ठीक है। आए चलते हैं अंदर की तरफ। जी इसका डिसेंट सा सिंपल सा इंटीरियर है, मॉडल 2007 है तो इस वजह से ये आप कह लेंगे थोड़ा सा। अब आप एक छोटी सी जो ने कंपैरिजन करें, मैंने आपको पहले भी कहा था प्राडो वगैरह की बात है और जहाँ तक बात है हैरियर की, हैरियर 2003 मॉडल थी और क्या कंडीशन थी उसके अंदर से, और ये 2007 मॉडल है और इसकी क्या कंडीशन है। डिफरेंस बिटवीन, हालांकि वो टोयोटा, वो भी टोयोटा और ये भी टोयोटा ही है, पर एक बड़ी जो है ना वो मतलब आप कहें कि टेक्नोलॉजी का बहुत डिफरेंस है और पैसे का भी डिफरेंस इसी वजह से होता है, पर स्टिल मतलब आप कह सकते हैं। और हमारे मैनुअल ट्रांसमिशन आपकी है, 4x4 है, 4 लो 4 हाई जन आपके पास आएगा। नो क्लाइमेट कंट्रोल, ओनली मीडिया प्लेयर है आपके पास। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं, ऑटोमेटिक मोबिलाइजर के साथ की वाली है ये गाड़ी। सच फीचर्स कुछ नहीं है इतने, थोड़े बहुत ही नॉर्मली है। कूल बॉक्स आपके पास अवेलेबल है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ इन इट। हम ये गाड़ी कह सकते हैं कि अगर ड्राइव के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छी है, मैंने ड्राइव की है, ये बहुत सॉलिड गाड़ी है। मैनुअल कार्स कंपैरिजन ऑटो के तो डेफिनेटली अच्छी ही होती हैं, पर आजकल थोड़ी सी ये है कि आसानी के लिए ऑटो कार्स यूज़ होती हैं। बाकी आपकी ये आपकी ग्लासेस का ये आपका आ गया, लाइट्स आपकी सिंपल शेड्स और वो वाला नो सनरूफ। ये मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी सी डिफरेंट पैकेजेस हैं डिफरेंट टाइम के, पर स्टिल ये गाड़ी आपके सामने ही है। आई मैं उसको बस चेक करा देता हूँ। स्पेस के लिहाज से बहुत अच्छी है, ड्राइव के लिहाज से बहुत अच्छी है, कंफर्ट के लिहाज से बहुत अच्छी है। ओवरऑल इंटीरियर इतना अपीलिंग ना लगे शायद आपके, पर फिर भी स्टिल ये है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कार चलने के लिहाज से, कम्फर्ट शम्फर्ट के लिहाज से बहुत अच्छी है। मैं आपको बैक सीट्स भी चेक भी कराता हूँ। डबल लॉक नहीं है सर? इसका सिंगल लॉक, हाँ सिंगल लॉक। ये 7 सीटर है जो उसका सबसे बड़ा मेन फीचर आप कह लेना जो एडवांटेज है, लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो यही है कि ये जो है ना आपकी वो है 7 सीटर। सीट्स ओपन होती हैं, आप बच्चे बैठना चाहें, नहीं बैठते तो आप सामान रख सकते हैं, इसमें इशूज़ नहीं। बेसिकली लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं 7 सीटर्स के, क्योंकि बड़ी फैमिली होती है और कहीं भी जाना चाहें तो वो उसके लिए ज़्यादा आसानी होती है।
तो ओवरऑल कार्स के लिहाज से मतलब अभी आप कह लेंगे ये काफ़ी अच्छी है। प्राइस इसकी अराउंड अबाउट 45 के करीब है। मॉडल एक दफ़ा मॉडल 2007 मॉडल है और रजिस्टर्ड है 2016 की और इम्पोर्ट तकरीबन 15 या 16 की, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, तो पेपर्स पे है इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। आप देख सकते हैं प्राइस इसकी तकरीबन 45 के करीब है और शीट हमने वहाँ पे मेंशन की है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। जी एक्स ब्रांडो और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड वाइट कलर 45 लाख की मॉडल है इसकी, 7 मॉडल। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड। वेलकम ब्रदर। तो ये है जी टोयोटा प्राटो 2007 मॉडल और इसका डिज़ाइन तो बड़ा ज़बरदस्त है और काफ़ी नीट कंडीशन में कार यहाँ पे खड़ी हुई है और लाइट्स का मुझे बड़ा ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन लगता है और विंडोज़ वगैरह भी बड़ी ज़बरदस्त चमक रही हैं, बहुत ही नीट कंडीशन है। और ये ना जी टायर शायर भी लगा हुआ है, बैक इसका स्पेस बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत खुली खुली कार है। और अब इस कार के अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं जी इसका क्या सिस्टम है और चलते हैं जी कार के अंदर। और ये लें जी डोर इज़ ओपन नाउ और जी पावर विंडोज़ हैं जी इसके अंदर और स्पीकर भी लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं और वेलवेट वाली सीट्स कवर लगे हुए हैं इसके ऊपर चढ़े हुए हैं सॉरी। और अब इसके अंदर बैठते हैं और ये गर्मी है बड़ी। अच्छा जी अंदर मैं बैठ गया हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। गियर सिस्टम इसका ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये इसका कूल बॉक्स है और काफ़ी खुली गाड़ी है अंदर से। और ये है जी इसकी LED, यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसका सनरूफ नहीं है और ये इसका लाइट्स वगैरह सिस्टम है इसके अंदर देखते हैं जी। हाँ ये भी जो शीशे हैं यहाँ पे भी हैं, लाइट्स नहीं है यहाँ पे, वैसे मैंने कुछ कार्स के अंदर देखी थी वो लाइट्स भी यहाँ पे लगी होती हैं। बहरहाल ओवरऑल अंदर से भी काफ़ी नीट कंडीशन है, ऑटोमेटिक नहीं है लेकिन काफ़ी नीट कंडीशन में इसका इंटीरियर है। और ये भी देखें स्पीकर लगा हुआ है। तो ये थे जी अंदर से ये प्राडो। अब इसकी बैक सीट्स मैं आपको दिखाता हूँ, बैक सीट्स भी काफ़ी खुली खुली हैं, अगर मैं बैठूं तो मैं फंसूंगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं लंबा हूं, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आती है गाड़ियों में बैठने की। इतना भी लंबा नहीं हूं, 6 फुट मेरी हाइट है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पाकिस्तान में इतनी हाइटेड लोग ज़्यादा हैं नहीं है, कपड़ों में भी मुझे अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे साइज़ की जो शर्ट है वो नहीं मिलती, मेरे बाजू भी लंबे हैं। तो ये थे जी टोयोटा प्राटो 2007 और मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगी। तो ये थी जी टोयोटा प्राटो 2007 और मुझे तो ये प्राटो बड़ी अच्छी लगी है। हाँ इंटीरियर इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ा पुराना मॉडल है, ये भी वजह है कि आज के लेवल का इंटीरियर नहीं है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी कार है और है भी प्राटो। प्राटो नाम ही फिर नाम के पैसे होते हैं, सिंपल सी बात है। बाकी बड़ी अच्छी लगी मुझे और इस शोरूम की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।